नर्मदा नदी के किनारे कई गांव, नगर और शहर थे। ये कहानी दो गांवों से संबंधित है, भोरशा और शिखा। एक दिन हमेशा की तरह शिखा गांव का रहने वाला राजू मछलियां पकड़ने के लिए नर्मदा नदी में जाल डाला। सुबह से जाल डाल रहा हूँ पर एक भी मछली नहीं फंसी। हे माँ गंगे, इस बार थोड़ी बड़ी मछली फंसा देना। ऐसा कहते हुए जाल बाहर निकाल कर देखने लगा। बहुत सारी मछलियां फंसी थी। खुशी खुशी एक एक करके अपनी टोकरी में डालने लगा, पर उन मछलियों के बीच में एक खाली बोतल थी जिसमें ढक्कन लगा हुआ था। कौन मूर्ख इस खाली बोतल में ढक्कन लगाया है? ऐसा सोचते हुए उस बोतल को वहीं फेंक कर बाजार में मछलियां पकड़ने के लिए चला गया। पास में ही गौतम मछलियां पकड़ते हुए यह सब देख रहा था। चम्मक चलो, हर दिन इसको मछली मिलता है पर आज तो बोतल मिल गई। राजू की फेंकी हुई बोतल को दारू की बोतल समझकर गौतम जल्दी जल्दी में बोतल का ढक्कन खोल दिया। बस फिर क्या था, उसमें से काला धुआं निकला और एक सुंदर लड़की प्रत्यक्ष हुई। जानू, ओ जानू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? वाह, मेरा नाम जानू पीटर नहीं, मेरा नाम गौतम है। गौतम, ओ गौतम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? हाँ, मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम बहुत ही सुंदर हो, चमक चलो। जो दिल से प्यार न करके आंखों से प्यार करता है, तुम्हारे जैसे लोग मनुष्य का जीवन नहीं जीते, जड़ पदार्थ के रूप में बदल जाओ। ऐसा कहते ही गौतम एक बड़ी सी ताल के पेड़ के रूप में बदल गया। इन सारी बातों से अनजान राजू बाजार से थक के आने के कारण नींद आने लगी। आज की कमाई अगर लक्ष्मी देखती तो कितनी खुश होती। त्योहार की वजह से मायके गई है, आ जाती तो कितना अच्छा होता। ऐसा सोचते हुए सो गया। अगले दिन उठकर मछलियां पकड़ने के लिए जाने की सोचा। कल जो कमाई हुई है उससे तो एक हफ्ता चल जाएगा, घर पर ही रहकर आराम करता हूँ। ऐसा सोचते हुए वहीं पर सो गया। जानू, ओ जानू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? हाँ, प्रेम करूँगा, बहुत खूबसूरत है। तो क्या अब भी प्यार करोगे? बाप रे चुड़ैल, बाप रे। जो दिल से ना प्यार करके आँखों से प्यार करता है, तुम्हारे जैसा लोग मनुष्य के जीवन मत जियो, एक जीवित जड़ पदार्थ के रूप में बदल जाओ। अगले दिन दोपहर तक उसकी बीवी गांव से लौट आई। काम पे ना गए घर में सोए हुए राजू को देखकर, अरे मेरे आलसी पति, मेरे घर में ना रहने से काम धाम छोड़कर घर में सोए रहने पर हम लोगों को खाना कैसे मिलेगा? कौन हफ्ता भी घर में बैठ के खाए तो खत्म नहीं होगा, अरे घबराने की बात नहीं है। और लक्ष्मी को सारी बातें बताई। मछली के जाल में खाली बोतल, वो भी ढक्कन लगा हुआ था, क्यों फेंक दिए उसे? हो सकता है उसमें वरदान देने वाली कोई देवकन्या हो, हमें इच्छा के मुताबिक वरदान मिले तो हम कितने अच्छे से करोड़पति बन जाते ना? तुम्हारा सर, अगर उसमें कोई बंदी हुई भूत पिशाच या आत्मा होता ना तो मुझे वहीं पर मार डालता। चुड़ैल है या फिर देवकन्या, हम अपने फकीर से पूछते हैं, वे बताएंगे। आप जल्दी से जाकर उस बोतल को लेकर आओ, सावधानी से लाना, ढक्कन मत खोलना। ठीक है, जाऊंगा। ये बीबियां है ना, इनको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। हाय,
कैसी जिंदगी है, आराम से सो भी नहीं सकता। ऐसा सोचते हुए नदी के किनारे पहुंचा, उस बोतल को खोजने लगा। तभी वहां पर ताल के पेड़ को देखा। मैं बचपन से यही मछलियां पकड़ रहा हूँ, कल तक तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था, अचानक ये पेड़ कहाँ से आ गया। ऐसा सोचते हुए ही उसको कुछ शक होने लगा। देखते ही देखते पास में गौतम का जाल और मछलियों की टोकरी दिखाई दी। हे भगवान, शायद गौतम ने इसका ढक्कन खोला होगा, मुझे तो कुछ शक हो रहा है, फकीर के पास जाना चाहिए मुझे। ऐसा सोचकर लक्ष्मी के साथ फकीर के पास गया। फकीर ने बोतल को देखा। राजू, शायद तुम्हें पता है कि नहीं, हमारे गांव में अब तक बहुत सारे मर्द गायब हो चुके हैं। जहां बोतल मिली वहां जाकर देखते हैं, पता नहीं हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि जो मर्द गायब हो रहे हैं उनका इस बोतल से शायद कुछ संबंध है। जहां से वो बोतल मिली थी वे तीनों उस जगह पर गए। राजू ने फकीर को उस ताल के पेड़ को दिखाया। फकीर जी, इस ताल के पेड़ को कल तक तो मैं यहाँ नहीं देखा, पता नहीं रातों रात यहाँ कहाँ से आ गया। जो जी जा भू शक शक पिशक, जो जी जा भू शक शक पिशक। फकीर मंत्र का जाप करके पेड़ के ऊपर हाथ रख कर देखा। मनुष्य के धड़कन की आवाज आ रही थी उस पेड़ से। कौन हो तुम? तुम इस पेड़ के रूप में कैसे बदल गए? साहब, मैं गौतम हूँ, उस बोतल से प्रेम करने वाली चुड़ैल बाहर निकलकर मुझे पेड़ में बदल दी, मुझे फिर से मनुष्य बना दीजिए। राजू, इस बोतल में चुड़ैल थी जो सबको पेड़ के रूप में बदल दी है, उसके बारे में बिन जाने हम इनको नहीं बचा पाएंगे। क्या करना है मुझे बताइए, चुड़ैल के चंगुल से मैं जरूर लोगों को बचाऊंगा। अरे मेरे मूर्ख पति, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, हमें क्यों, चलो घर चले जाते हैं। मेरे वजह से ही वो चुड़ैल इस गांव में आई है, मुझे वो बोतल मिलते ही तुरंत नदी में फेंक देना चाहिए, मैंने गलती किया है। राजू, ये लो, इसे सर पर बांध कर आज रात गांव में घूमना, उस चुड़ैल को देखते ही मेरी मंत्र को पढ़ लेना। नहीं नहीं, आप मत जाओ, आपको भी पेड़ में बदल देगी। डरो मत लक्ष्मी, जब तक ये कपड़ा उसके सर पर रहेगा तब तक वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी, पर क्या है कि बोतल के अंदर घुसने के 3 घंटे में उसकी शक्ति से बोतल फटकर बाहर आ जाएगी, वह तब तक उसका पूरा अंत कर देना चाहिए, मैं उसका प्रबंध करूंगा, डरो मत राजू, हिम्मत से जाना। फकीर के कहे मुताबिक राजू रात को गांव में घूम रहा था, वो चुड़ैल अचानक से प्रकट हुई। जानू, ओ जानू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? हाँ, प्यार करूँगा। क्या अब भी प्यार करोगे? अरे बाप रे चुड़ैल, हाँ हाँ अब प्यार करूँगा, तुम्हें क्या, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। सच में? हाँ सच में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी जान हो। इतने दिनों में मुझे प्यार करने वाला मिला है। जो जी जा भू शाक शाक पिशाक, जो जी जा भू शाक शाक पिशाक। फकीर ने सारा प्रबंध किया हुआ था, उस बोतल की चुड़ैल को कपाला मुगु में रखकर। बोलो चुड़ैल, मर्दों को ताल के पेड़ में क्यों बदल रही हो, असल में तुम कौन हो, फिर से उन लोगों को मनुष्य के रूप में कैसे लाना होगा, बताओ। बताऊंगी, मेरे गांव का नाम भूषा है, मैं बहुत ही अमीर परिवार से हूँ, बचपन में ही माँ गुजर गई, मेरे पिताजी दूसरी शादी कर लिए और मौसी को भी बेटी हुई, मेरी बहन का नाम वंजा था, मौसी मुझे एकदम पसंद नहीं करती थी, वंजा से मैं ज्यादा खूबसूरत थी इसलिए हमेशा ही मुझसे कड़वी बातें बोलती, मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी, एक न एक दिन मुझसे प्यार करने वाले से यदि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सुखी रह सकूंगी, लेकिन मौसी मेरी शादी अपने भाई के साथ कराना चाहती थी दहेज के लिए, मगर वो एक नंबर का निकम्मा था, उसमें हर बुरी आदतें थीं, मैं जयराज के साथ शादी के लिए ये तैयार नहीं थी, इसलिए वे तीनों मिलकर साजिश रचकर।
अरे भाई, अगर वो खूबसूरत होगी तो कोई ना कोई उससे शादी करके आधी जायदाद लेकर चला जाएगा। ये सुंदर न रहकर अगर बदसूरत हो जाएगी तो इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, तब मजबूरन उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। हाँ माँ, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है इसलिए ज्यादा घमंड है। ये लो, ये चीज काली छिपकली के खून से और जंगली पौधे के रस से बनाया गया मिश्रण है। हर दिन जलाजा के नहाने के पानी में 6 बूंद मिलाओ, वो कुरूप बन जाएगी। इस प्रकार वो तीनों मिलकर मुझे कुरूप बना दिए। मेरा कुरूप चेहरा देखकर मुझसे कोई शादी नहीं किया। मेरी जायदाद को न देखकर सिर्फ मुझसे प्यार करने वाला कोई न था। ये सोचकर मैं हर दिन रोती रहती थी। वंजा की शादी हो चुकी थी। मौसी अपने भाई के साथ मेरी शादी कराने के लिए पिताजी को मनाई। मेरे लिए और कोई चारा न था। गांव के कोने में स्थित एक पहाड़ के ऊपर से कूदकर मैंने आत्महत्या कर ली। मेरे शव को सियार खा गए। तभी मैं बदले की आग में पिशाच में बदल गई। मैं अपनी मौसी और वंजा को मार डाली। ये जानकर जयराज एक शुद्र मांत्रिक की मदद से मुझे बंदी बनाकर बोतल में उतार कर नदी में फेंक दिया और नदी के प्रवाह से धीरे धीरे मैं तुम्हारे गांव तक आ पहुंची। तुम्हारे मृत्यु का कारण बनने वाले उस जयराज से बदला ना लेकर हमारे गांव के मर्दों को क्यों पेड़ के रूप में बदल रही हो? अरे बाप रे, मर गए। कुछ तो करो फकीर जी। डरिए मत, मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगी। सुंदरता और पैसा देखकर जो प्यार करते हैं, वैसे मर्दों को गुस्से से मैंने ताल के पेड़ के रूप में बदल दिया। पर राजू मेरी कुरूप चेहरे को देखकर भी उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर मेरी इच्छा पूरी हो गई। वे ताल के पेड़ फिर से मनुष्य के रूप में आ जाएंगे। जलाजा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे इस नेक दिल से मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मगर तुम्हारे मौत का कारण बनने वाले उस जयराज को तुमने कुछ नहीं किया। बोतल से बाहर निकलते ही मैंने उसे और उसकी मदद करने वाले मांत्रिक को मार डाला। राजू, तुम ही मेरी प्रेमी हो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। अब इजाजत दो। चम्मच खेलो।